आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के युवा तुर्क विधायक राकेश पाल सिंह किसानों के हिमायती बने हुए हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। कानीवाड़ा से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो आगा खान की ये रिपोर्ट है। राकेश पाल सिंह के द्वारा केवलारी क्षेत्र में अनेक खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। हर कमोबेश हर खरीदी केंद्र में उन्हें अनियमितताएं देखने को मिली। उनके द्वारा अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। किसानों से ज़्यादा मात्रा में गेहूं की खरीद की जा रही है, ये वाकई बहुत गंभीर मसला है जिस बारे में प्रशासन को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि खरीद केंद्र प्रभारी लगातार कितने सालों से खरीद केंद्र प्रभारी बने हुए हैं। उनके द्वारा पहले भी इस तरीके की विसंगतियां की जाती रही होंगी, पर पूर्व विधायकों के द्वारा इस ओर शायद ध्यान नहीं दिया गया। संभवतः ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें खरीद केंद्र प्रभारियों को ये लग रहा था कि विधायक राकेश पाल सिंह भी पुराने विधायकों के मानिंद फील्ड में क्षेत्र में नहीं निकलेंगे। आइए हम देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में दरअसल वास्तविकता क्या। चलो कांटा वहीं ले चल, चलो कांटा वहीं ले पचास 660 क्यों लिए भैया इतनी? कारण बताओ, कारण वो भी तो कमी ली अपन उधर से लाए, वो नीचे करो और ये भी तो कल की खरीदी है ना, ये सर परसों की, परसों की, फिर तो सूख जाना चाहिए सर ये नमी। इसका मतलब तुम नमी से क्या मतलब, 12% की छूट मिलती है मालूम है तुमको? चूतिया बना रहे किसान को, मालूम है ना तुमको 12% की छूट मिलती है? 50 किलो में जो है 12×60 600 ग्राम की छूट मिलती है तुमको सूखत की, किसान को बेवकूफ बनाते हो। 300 ग्राम ज्यादा लेना। तो आपने देखा होगा किस तरह किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकारी वेतन पाने वाले नुमाइंदे किस तरह किसानों के साथ बर्ताव कर रहे हैं, उन्हें किस तरह छल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है केवलारी विधानसभा क्षेत्र में। ये तो गनीमत थी, विधायक राकेश पाल सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने औचक निरीक्षण किया। जिले के चारों विधायकों, दोनों सांसदों को राकेश पाल सिंह से नसीहत लेनी चाहिए। उन्हें भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर ये देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र के किसानों के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में खरीद केंद्रों पर किसानों से ज़्यादा मात्रा में अनाज लिया जा रहा हो, उन्हें बोरा सिलाई और तुलाई के नाम पर उनसे पैसा वसूल किया जा रहा हो। अमूमन देखा जा रहा है कि देखा जाता आया है कि खरीद केंद्र प्रभारियों द्वारा भोले भाले किसानों को तरह तरह के आदेश, फर्जी आदेशों को बताकर गुमराह किया जाता है। केवलारी से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ब्यूरो के आगा खान की ये रिपोर्ट है। आगा खान मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा, विधायक राकेश पाल के द्वारा जो निरीक्षण किया जा रहा था उसे अपने कैमरे में कैद किया गया। ये पूरा हम इस खरीद केंद्र के बारे में बताते हैं कि विधायक राकेश पाल ने क्या कहा। गिर गई थी, उसमें मट्टी दिख रही थी। देखो भैया, वो तो FAQ मिला कर लेंगे, छन्ना लगवा कर उसको निकलवा देंगे। वो FAQ नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। सैंपल में कितना ले रहे हो तुम, क्यों ले रहे हो? सैंपल के नाम में कितने किलो उठा रहे? अंदाज से उठा ले। क्यों, क्या सैंपल का क्या करते हैं? तो वापस क्यों नहीं ढेर में डाल दिए?
यहाँ और कौन किसान भैया लोग हैं भैया जी बताओ, आपने सिलाई और तुलाई के पैसे देने की कोई बात हुई है क्या? नहीं वो तो खैर उसकी छोड़ो बात, वो तो मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, वो तो बारीक गेहूँ लेंगे नहीं, वो ठीक है ना, वो तो बात हो गई, वो तो हमने मुख्यमंत्री जी से कल की बारीक गेहूँ खरीदी थी, क्या मना कर दिया। तो इस तरह से आप देखिए, विधायक राकेश पाल सिंह किसानों के हित के लिए किस कदर संजीदा हैं। निश्चित तौर पर राकेश पाल सिंह बधाई के पात्र हैं, उनके द्वारा जो किसानों के हित में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं वे किसी से छिपे नहीं हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को आप तक लेकर आ रही है। शेष विधायक भी अगर इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया स्वागत करती है उनका। वे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को अगर बताते हैं या अपने कुछ इस तरीके के वीडियोस भेजते हैं तो हम उनके वीडियोस को भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में स्थान जरूर देंगे। पर किसी तरह से बनाए गए, मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि कहीं वीडियो ऐसे ना लगें कि प्रायोजित वीडियो हों। जैसे ये वीडियो दिख रहा है, इसमें राकेश पाल सिंह के तेवर अलग समझ में आ रहे हैं, जो उनके तलख तेवर सदा रहते हैं वो यहाँ भी दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के कानीवाड़ा ब्यूरो आगा खान की रिपोर्ट। देखो 50-500 आ रहा है ये, नहीं तुम अच्छे से रखो, अच्छे से रखो। पचास पाँच सौ लिए ना, मेरा तो काटा हुआ है, कट के रखने दो। दूर रहो आप लोग, दूरी रहो, थोड़ी दूरी बना, ये बना के रखो। 50 हटो, 500 है ये, 600 आ रहा है, 620। पचास 610, अरे यार अनिल तुम लोग तो यार खड़े होके लुट रहे हैं यहाँ पर, हम पहली बार आए हैं। नहीं तो तुम समझदार लोगों के रहते ही 50-600 ले रहे हैं, एक कट्टी में 50-600, 50-140, 50-200, और मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 50-300, तो 300 ग्राम एक में मार रहा है, एक क्विंटल में 600 ग्राम मार रहा है। 600 ये और 600 वो मिल रहा है, जो 1200 ग्राम हो गए ना, 600 का एक।